Davar from Iqra University. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. क्या कहना चाहेंगे आप? ज़वार, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी जब आप शुरू में कर रहे थे सारे माइकल जैक्सन के गानों पे, तो आई थॉट कि ये काफ़ी बोरिंग जा रही है, इससे ऊपर नहीं होगी. लेकिन उसके बाद जब गाना चेंज हुआ तो देन आई रियलाइज्ड कि यू वर एक्चुअली बिल्डिंग अप टूवर्ड्स इट. और आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस. आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर आप जो बिल्डअप वाला पार्ट था वो थोड़ा सा छोटा कर देते, लेकिन ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस. आई लाइक योर एनर्जी एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. ज़ोई, रियली नाइस परफॉर्मेंस, नाइस मूव्स. द ओनली थिंग दैट आई वुड गिव यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज के डोंट लीव एनी पॉजेज बिटवीन द सॉन्ग्स. वो जो बिटवीन द टू जो ट्रांजिशंस थे ना, वो शायद उस पर अगर आप कुछ डालें सो दैट देयर इज नो स्टॉप. क्योंकि वो क्या हो रहा था कि एनर्जी बन रहा था और फिर वो ड्रॉप हो रहा था, फिर बन रहा था फिर ड्रॉप हो रहा था. सो दैट वाज माय ओनली थिंग. अदरवाइज यू आर स्मूथ. थैंक यू. आमना, वेरी टफ टाइप ऑफ डांस दैट यू डू. द ब्रेक डांस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज अ गुड एफर्ट बट देयर वाज समथिंग मिसिंग. यू वर ऑफ बीट. आई फेल्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स द बीट पास्ड एंड देन यू डिड द मूव. Your performance wasn't gradually, it didn't have an arc.
usually when you do dance, when you perform on stage or even in a song or something, there's always an arc. You build your performance. Either you build it this way or you build it this way. So it was just somewhere. It didn't go anywhere. So I think overall it was a good effort. There's no arc. And I think you... I've been saying this, Shyam, I think I've said it a lot of times. Get training. If you really... Anybody who wants to sing and who wants to dance and... ठीक है हम घर में तो सब करते हैं मैं भी कर लेती हूँ लेकिन स्टेज पे आने से पहले या कुछ प्रोजेक्ट करने से पहले ट्रेनिंग एक ट्रेन डांसर ना अलग ही नज़र आता है हमारे यहाँ मसला ही है हम सब खुद करते हैं और ट्रेनिंग नहीं लेते सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली जिस टाइप का डांस आप करते हैं सो इट वॉज ओवरऑल अ गुड एफर्ट बट इट कुड हैव बीन मच बेटर इफ यू वर ट्रेन्ड निम्रा सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स वर गुड दिल्ली बेचैन आई लव्ड इट बट समा मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा जैसे आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए आपने बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दिया अपनी एकदम से मुझे लगा कि उन्होंने कहा ये क्या है मतलब आई थिंक अब कुछ होगा लेकिन वही वाली बात आमना की और जोई की कि लेकिन वो सिंग कर रही लाइक नॉट इवन सिंकिंग लाइक नो स्विंग कर रही थी सो या और एनर्जी वॉज गुड और ओवरऑल आपके ऊपर लाइक बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो कि आप शायद वो अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइक मैंने क्योंकि आपने जितना स्ट्रेच किया आई हैव सीन के फ्लेक्सिबिलिटी है बट यू नॉट यूजिंग इट तो जिस ये फ्लोर आपका था आप घूमते लाइक यू नो इन्जॉय करते बट कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि सबकी फर्स्ट परफॉर्मेंसेस थी आज बट स्टिल आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम वर सो गुड आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सबकी अपनी अपनी जगह पे अगर किसी को हमारे कमेंट्स हार्श लगे या बुरे लगे आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट सब अपनी अपनी जगह सब ने बहुत अच्छा किया है लाइक लिटरली थैंक यू निम्रा